हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम फूल सिंह योगी फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भंडारीज मोड़ दौसा इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आई विल डिस्कस अबाउट इज कैनाल डिज़ाइनिंग इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बीटेक फिफ्थ सेम। This video number is 40. चौदहवीं नंबर का वीडियो है ये WRE सब्जेक्ट का। इसमें आप कैनाल डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैनाल डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है और कैनाल डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ में होती है, कौन कौन सी डेफिनेशंस यूज़ में होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा टाइप्स ऑफ कैनाल, कैनाल कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्ट, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट के ऊपर अलग अलग जो आपको कैनाल मैंने बताए थे आपको, ठीक है। यदि कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग टाइप के थे पेज पर, अनलाइंड कैनाल, लाइंड कैनाल आपने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वान्टिटी, डिस्चार्ज क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, पर्पज़ के अकॉर्डिंग अलग टाइप के थे, ब्रांच कैनाल, मेजर कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैनाल आपने पढ़े थे। बट यदि आप बात करें डिजाइनिंग ऑफ कैनाल, कि कैनाल को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन क्या यूज़ में होता है, तो ये इसमें देखेंगे आप। तो मैं फर्स्ट ऑफ बात करता हूँ कैनाल डिज़ाइनिंग टाइप, कि कैनाल डिज़ाइन टाइप की बात करते हैं तो वो आपका कौन कौन से हैं। कैनाल डिज़ाइन, यदि आप बात करें ड्रेनेज कैनाल डिज़ाइन, एक ड्रेनेज, यदि आप नॉर्मल अभी बात करें कि रोड कंस्ट्रक्शन है, आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए चाहिए, पानी को निकास के लिए चाहिए, वो कैनाल अगर आप बनाते छोटा वाला तो वो आपका ड्रेनेज कैनाल होता है। आपने देखा होगा जैसे रोड कंस्ट्रक्शन बनाते हैं आप, रोड कंस्ट्रक्शन देखा है कि ये रोड है, इस रोड के पास इस पानी को जो इसका ड्रेनेज होकर इस पानी वाटर को इसके पास पास निकालना है, तो ये आप कैनाल बनाते छोटा सा, या फिर कहीं से वाटर को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज कैनाल बनाते हैं तो उसे आप ड्रेनेज चैनल डिज़ाइन कहेंगे या कैनाल कहेंगे। और यदि आप बात करें इरिगेशन के लिए है, सिंचाई के लिए यदि बना रहे हैं आप, उसे आप इरिगेशन कैनाल डिज़ाइन कहेंगे। मोस्टली यदि आप डिज़ाइनिंग की बात करें तो इरिगेशन कैनाल डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर इस चैनल में आपको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फैक्टर्स की मैं बात करूँ कि कोई एरिया है, क्षेत्रफल है, जहाँ पर क्रॉप्स है आपकी, क्रॉस फील्ड के अंदर ये आपको कितने वाटर क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करेगा वेस्ट पीरियड के अंदर, क्रॉप पीरियड के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है आपको, उसी के अकॉर्डिंग कैनाल की डिज़ाइनिंग की जाती है कि आपको इस टाइप की क्रॉप्स है उसके लिए इस ड्यूरेशन के अंदर इतने वाटर की रिक्वायरमेंट है और इससे काम चल सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन इसके अंदर है। तो डिज़ाइन पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स हैं डिज़ाइनिंग के, यदि मैं फर्स्ट बात करूं, द डिज़ाइन कंसीडरेशन नेचुरली वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। मोस्ट पार्ट है कि डिज़ाइन ऑफ कंसीडरिंग नेचुरली वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल, कि आपको जो कैनाल की डिज़ाइनिंग है, चैनल की डिज़ाइनिंग है, वो आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के अकॉर्डिंग, जो सॉइल का नेचर है उसी के अकॉर्डिंग कैनालों को डिज़ाइन की जाती है। बहुत सी जगह ऐसी टाइप की सॉइल है, क्ले एसिड टाइप की है, या फिर कहीं कोर्स टाइप की है, जिनकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, किसी की परमेबिलिटी जैसे क्ले है उसकी परमेबिलिटी कम होती है, वहाँ पर अलग टाइप का डिज़ाइन करते हैं हम। क्ले टाइप का है वहाँ पर परमेबिलिटी ज़्यादा है, सॉरी कोर्स टाइप का, सैंड टाइप का, तो वहाँ पर अलग टाइप के डिज़ाइन करते हैं। लाइंड अनलाइंड, आपको दो टाइप्स की कैनाल आपको दिख रही है, देखिए आप ये वाला और ये नीचे गहराई पर। तो नेक्स्ट में बात करूँगा कि पैरामीटर्स, पहला क्या अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट में बात करूँ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द कैनाल शुड बी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल, कि आपको जो कैनाल बना रहे हो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कितनी रखें,
उसके अकॉर्डिंग कैनाल का डिज़ाइन किया जाता है। यदि आपको डिस्चार्ज की क्वांटिटी है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी वेलोसिटी कितनी रखी जाए, ठीक है। आपको पता है कि डिस्चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, ए भी होता है, ए क्या है एरिया जो आपका कैनाल का क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, वी क्या है वेलोसिटी जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है कि इस टाइम वाटर का फ्लो हो रहा है। तो इससे जो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है आपको डिस्चार्ज की, क्यू मीटर क्यू पर सेकेंड कितनी क्वांटिटी में वाटर चाहिए। अब जो आपकी इरीगेशन फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, उसके अंदर आपको इरीगेट करना है तो उसके लिए कितना वाटर चाहिए, तो वो आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, उस टाइप का कैनाल बनाएंगे। कहीं ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड की, और वो आपका जो क्षेत्रफल आपने जो डिज़ाइन किया है वो कम किया है, तो आपको क्या है वेलोसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और आपको जो कैनाल का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आप वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके माध्यम से वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ डिज़ाइन ऑफ कैनाल विच आर नॉन एज कैनाडी थोरी एंड लेशे थोरी आर बिल्ड ऑन द करेक्टर्स ऑफ सेडिमेंट्स लोड या सिल्ट लोड एंड कैनाल वाटर। ये आपके सिविल इंजीनियरिंग में टू टाइप्स की डिज़ाइनिंग अगर आप बात करें वो की जाती है, थ्योरी दी थी एक कैनाडी थ्योरी और लेशे थ्योरी, इसी के अकॉर्डिंग आपकी कैनालों की डिज़ाइनिंग की जाती है। कैनाल यदि आपको डिज़ाइन करने हैं इन दोनों लेशे थ्योरी के ऊपर, लेशे और कैनाडी थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। यदि मैं बात करूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, आपने ये कैनाल आपको दिख रहा है, यदि आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये इसका अगर आप बात करें, ये साइड स्लोप होता है, एक मिनट, ये आपका कैनाल है सपोज दैट, तो ये जो साइड स्लोप है आपका, ये आपका इसके अंदर ये क्या रहेगा, बेड स्लोप रहेगा, इसके बेड के ऊपर ये आपको वाटर आपको फ्लो होता हुआ दिख रहा है, इसमें क्या है ये बेड स्लोप। अगर ये साइडों की मैं बात करूँ, ये क्या है ढलान टाइप का साइड स्लॉप होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सिल्ट है, सिल्ट फैक्टर है, उसका लोड कितना है, उसी के बेस पर ये डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। कैनाडी थ्योरी या लेशे थ्योरी, कैनाडी थ्योरी एक ऐसे, मैं बात करूँ एक ऐसे वैज्ञानिक थे कैनाडी के नाम के ऊपर, उन्होंने क्या है कि खुद का कोई फार्मूला नहीं दिया, ये कोई अलग से डेफिनेशंस नहीं दी, कोई फार्मूले नहीं दिए, वो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी इनके फार्मूले के ऊपर ही उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। एरर्स आई उसके अंदर, रिपीटेड एरर्स की उन्होंने डिज़ाइन कर करके अलग अलग डिस्चार्ज के लिए। लेशे थ्योरी के अंदर उसने लेशे ने खुद के फॉर्मूले दिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। और ये आप पूरी डिटेल से आगे देखेंगे आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं, एक नेचुरलिटी ऑफ सॉइल, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड कैनाल क्रिटिकल्स एंड डिज़ाइनिंग कैनाडी थ्योरी और लेशे थ्योरी। यदि मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कैनाल डिज़ाइन, कि जो इम्पोर्टेंस आप जो टर्म्स हैं जो कैनाल डिजाइनिंग से वो क्या क्या हैं किस तरीके से। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल आपके जो बारीक वाली सॉइल होती है, ठीक है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि जो रन ऑफ होके जो वाटर के अंदर जो सॉइल आती है एलुवियल सॉइल होती है, तो एलुवियल या फिर नॉन एलुवियल सॉइल या नॉर्मल टाइप की नॉन एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर एफ जिसकी आप वैल्यू निकालते हैं 0.1.6 अंडर रूट डी, डी इसका डायमीटर ऑफ होता है सिल्ट पार्टिकल्स का, सिल्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कोफिशेंट ऑफ रफिस्ट या फिर एन की वैल्यू कहते हैं इसको, कि आपको जो कैनाल आपने बनाया है उस किस मटेरियल का बनाया है, वो रफ है या फिर रिजिड है या स्मूथ है आपका कैनाल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेन वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी है मेन वेलोसिटी वी। नेक्स्ट क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और मेन वेलोसिटी दोनों इक्वल आ जाती है, तो आपको कैनाडी थ्योरी के अंदर वो सेम डिज़ाइनिंग हो जाता है, गुड डिज़ाइनिंग हो जाती है, परफेक्ट डिज़ाइनिंग हो जाती है यदि दोनों वेलोसिटी सेम हो जाती है, क्रिटिकल और मेन वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो एम की यदि मैं बात करूँगा, ये अधिकतर 1 लिया जाता है, कहीं पर 1.1 ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू, यदि मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, नॉर्थ ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पर 1 ही लेते हैं, 1 में 1.1,
अकॉर्डिंग टू रीजन ये चेंज होता रहता है एम की वैल्यू, जिसे आप क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो कहते हैं एम। नेक्स्ट यदि बात करें रिजन चैनल आर की वैल्यू होती है, ये चेंज होता रहता है आपकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ हाइड्रोलिक मेंस डेप्थ आर, हाइड्रोलिक मेन डेप्थ जो आपको चैनल है कैनाल है उसमें अंदर जो वेलोसिटी है उसके डेप्थ कितनी है वो होता है। फुल सप्लाई लेवल जो आपका लेवल होता है फुल सप्लाई लेवल वाटर का वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल सेक्शन है कि आपको जो डिज़ाइन कर रहे हैं कैनाल की वो इकोनॉमिक है या नहीं है, इकोनॉमिकल है या नहीं है, वो उसी का भी ध्यान रखा जाता है। यदि कॉस्टली नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा तो अदरवाइज़ कैनाल आपका क्या है, ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा तो उसको यूज़ नहीं कर सकते सही तरीके से, कौन बनाएगा। तो वो कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। मेंटेनेंस की बात करूँ चाहे इनिशियल कॉस्ट की बात करूँ, ये टर्म्सों का यूज किया जाता है अधिकतर कैनाल डिजाइनिंग के अंदर। एलुवियल सॉइल क्या होती है, द सॉइल विच इज़ फॉर्मेड बाय द कंटिन्यू डिपॉजिट ऑफ द सिल्ट इज नॉन एज द एलुवियल सॉइल, द रिवर कैरिंग हैवी चार्ज ऑफ सिल्ट इन रेन सीजन व्हेन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स ड्यूरिंग द फ्लड द सिल्ट पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड ऑन हेड जॉइंग एरिया, दिस डिपोजिशन ऑफ सिल्ट कंटिन्यूस ईयर आफ्टर ईयर, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डिटेल रीजन ऑफ रिवर, दिस सॉइल इज परमेबल एंड सॉफ्ट एंड वेरी फर्टिलिटी द रिवर पासिंग थ्रू इट, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ टेंडेंसी टू चेंज इट्स कोर्स। यदि आपको मैं बात करूँ कि एलुवियल सॉइल क्या होती है, वह सॉइल विच जो सॉइल आपका वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है कैनाल के अंदर या नदी के अंदर रिवर के अंदर, तो वहाँ पर आपके जो सिल्ट है सिल्ट पार्टिकल्स है रेन सीजन के अंदर रिवर के अंदर फ्लो होके आता है और फ्लो होके आगे, और जो आपकी रिवर होती है उसके बैंक में आकर जमा हो जाते हैं, साइडों में आके किनारों पर आकर जमा हो जाते हैं, वो टाइप की जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बह के वाटर के साथ फ्लो होकर जो सॉइल आती है वो एलुवियल सॉइल होती है, और वो क्या करती है आपके नदी के किनारों पर आकर जमा हो जाती है, वो एलुवियल सॉइल होती है। फर्टिलिटीज या सॉफ्ट या वेरी कनेक्ट फर्टिलाइज जो उसकी परमेबल होती है जो पासिंग थ्रू द टाइप ऑफ सॉइल टेंडेंसी चेंज इन द फोर्सेस। नॉन एलुवियल सॉइल एनी टाइप की यदि आप बात करें, कोई एलुवियल सॉइल नहीं है तो वो क्या है, सब नॉन एलुवियल सॉइल है। द सॉइल विच इज़ फॉर्मेड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स फॉर्मेशन इज नॉन एज द नॉन एलुवियल सॉइल, इट इज़ फाउंड इन द माउंटेनस रीजन्स ऑफ रिवर, द सॉइल इज हार्ड एंड इम्परवेबल इन नेचर, दिस इज नॉट fertilize, the river passing through this type of soil has no tendency to change its course. Non alluvial soil है जो आपकी जो soil है वो rocks के formation से बनती है, ठीक है, break होके rocks के formation से जो बनती है वो सारी क्या है, नॉन एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल क्या है, जो रिवर के साथ में आती है। ये कह रहा है इट्स फाउंड फॉर द मेंटेनेंस इट रीजन ऑफ रिवर्स, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म नॉन एलुवियल सॉइल हो जाती है। यदि मैं बात करूँगा सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर की मैं बात करूँ, सिल्ट फैक्टर क्या होता है, ड्यूरिंग द investigations work in various canal in alluvial soil, during the investigation works various canal alluvial soil gradual laissez
established the effect of silt on the determination of discharge and the canal section. So Lesser introduced a factor which is known as the silt factor. It depends on the main particle size of silt. It is denoted by F. The silt factor is determined by the expression F = 1.76 under root D mm. D क्या है? मेन पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट, जो आपका पार्टिकल्स है इसकी साइज है mm में, वो आपका सिल्ट फैक्टर होता है. तो आपने देखा कि जो आपके पार्टिकल, देखा होगा आप जब डिजाइनिंग करते हैं तो आपका जो सोइल है उसके ऊपर डिपेंड है, तो आपके जो सिल्ट है उसकी पार्टिकल की साइज़ कितनी है उसी के अकॉर्डिंग आपका कैनाल डिजाइन किया जाता है. यदि आप लैसे की बात करें या फिर वेरियस टाइप के अलग अलग, ये सिल्ट फैक्टर्स जो दिया हुआ है लैसे थ्योरी के अंदर, ये फॉर्मूला अलग से डिस्क्राइब किया गया उसी के अंदर यूज़ होता है, कैनाडी थ्योरी के अंदर नहीं, इसके अंदर सीधा रिज्यूम किया गया है, इसके अंदर माना गया है. यदि मैं बात करूँ पार्टिकल्स की, वेरी फाइन सिल्ट जो होती है उसके लिए पार्टिकल साइज जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 0.05. उसके लिए सिल्ट फैक्टर आपका निकल के आएगा, इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो 0.40. और फाइन पार्टिकल है उसकी जो साइज़ होगी वो कितनी होगी, 0.12 mm. तो उसका जो सिल्ट फैक्टर है वो कितना आएगा, 0.60 आएगा. और मीडियम सिल्ट है तो उसकी जो साइज़ होगी वो कितनी होगी, 0.23. और सिल्ट फैक्टर की वैल्यू 0.85. कोर्स सिल्ट यदि उसकी साइज़ है कोर्स की तो वो कितनी होगी, 0.32. और सिल्ट फैक्टर की वैल्यू आएगी 1. ये जो वैल्यू आई है आपकी सिल्ट फैक्टर की, इस फॉर्मूले के अंदर मान पुट किया है, F इक्वल 1.76 अंडर रूट डी. ये वाला फॉर्मूले में D की वैल्यू आपकी जो mm में ये साइज़ दी हुई है ये आपने यदि पुटअप करते हैं तो ये आपका सिल्ट फैक्टर की वैल्यू आती है. बेसिकली यदि आप माने तो जैसे सिल्ट फैक्टर यदि गिवन है तो ठीक है, आपको D की वैल्यू वो माननी है, और यदि नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं. ये आपका सिल्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, जो आपके सिल्ट का पार्टिकल साइज है वो ऊपर. यदि मैं कोफिशिएंट ऑफ प्रोफेस्ट एन की बात करता हूँ, इस कोफिशिएंट एट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आपको जो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन आपने किया है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो स्मूथ है या रफ है. रफनेस बोलेंगे इसको एक तरीके से कह सकते हैं. द रफनेस ऑफ द कैनाल बेड इफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. द रफनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द रिफेल्स formed on the bed of the canal. So a coefficient was introduced by R.G. Kennedy for calculating the mean velocity of flow. This coefficient is known as coefficient of roughest silty, roughest silty, and it is denoted by n small n. द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बेड मटेरियल ऑफ द कैनाल. जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो एन की वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, बेड के मटेरियल के ऊपर. जो आपका बेड कैनाल है, कैनाल का बेड है, तो आप इस तरीके से कैनाल डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये बेड वाला, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, अगर मैं साइड की बात करूँ कि ये मटेरियल किसका बना है, क्योंकि इसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. यदि आपका जो बेड है वो स्मूथ है तो आपकी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यदि रफ़ है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी. आपको जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से वो करेंगे, फ्लो करेंगे.
तो वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड होती है, आप ये कह सकते हैं एक तरीके से। तो यदि मैं बात करूँ मटेरियल, किस मटेरियल का कैनाल बना है, अर्थ मटेरियल का बना है, यानी मिट्टी का कच्चा कैनाल का आपने बनाया है कैनाल, तो उसके लिए एन की जो वैल्यू होती है वो 0.0225 होते हैं, 0.0225 अर्थ कैनाल के। यदि मैं बात करूँ मैसनरी कैनाल, तो मैसनरी कैनाल के लिए 0.02 होती है, 0.02 होती है मैसनरी कैनाल के लिए। और यदि मैं बात करूँ कंक्रीट की, कंक्रीट के लिए हमें से याद करनी है आपको 0.13 to 0.18, इसे 0.15 लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, 0.15 इसको लिया जाता है, पर इसी का अधिकतर अपन कैनाल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो कॉफिशेंट हैं, नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, उनकी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कैनाल डिजाइनिंग पढ़ेंगे कि कैनाल को फॉर्मूले देखेंगे, डिजाइनिंग स्टेप देखेंगे, किस तरीके से कौन कौन सी डिजाइनिंग स्टेप है जिनके अंदर कैनाल की डिजाइनिंग की जाती है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके माध्यम से, ठीक है, लेसी थ्योरी और कैनाडी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट